GMS World School is visioned for a world-class education. अरब सागर से चली नम हवाओं से गिरा तापमान, दो दिनों तक आसमान में छाए रहेंगे बादल। अरब सागर की ओर से आ रही हवा ने उत्तर पश्चिम के पहाड़ों की ओर से आ रही हवा का रास्ता रोका तो अवश्य, किंतु हवा में व्याप्त नमी से आर्द्र हुए मौसम में सुबह शाम गलन का आभास कुछ ज्यादा रहा। समुद्री हवा के साथ आ रहे बादलों के चलते एक दो दिनों तक बदली का मौसम बना रह सकता है, इससे तापमान में कुछ वृद्धि हो सकती है तो अवश्य, किंतु हवा में व्याप्त नमी से आर्द्र हुए मौसम में सुबह शाम गलन का आभास कुछ ज्यादा रहा। बादलों के छटते ही बढ़ेगी गलन। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि बादलों के छटते ही फिर गलन तीव्र हो सकती है। बीएचयू के मौसम विज्ञानी प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अभी बनारस और पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर अरब सागर की ओर से चली हवा पहुंचने लगी है। इसके साथ हल्के बादलों के समूह भी हैं जिनमें व्याप्त आर्द्रता के चलते बुधवार को अधिकतम तापमान बीते 24 घंटे में 0.8 डिग्री सेल्सियस कम हुआ तो बादलों की वजह से न्यूनतम तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी हुई। उन्होंने कहा कि अगले एक दो दिनों तक आसमान में रहने वाले हल्के बादलों से तापमान में हल्की सी वृद्धि हो सकती है, लेकिन बादलों के छटने के बाद फिर पहाड़ों की ओर से पहुंचने वाली हवाएं गलन बढ़ा सकती हैं।